श्री कृष्ण। एक योगी की आत्मकथा, अध्याय 8, भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी से पहले ही कर लिया था। यह उत्तेजक टिप्पणी सुनकर मैं रास्ते के किनारे खड़े होकर विज्ञान विषयक चर्चा कर रहे प्राध्यापकों के एक दल के पास जाकर खड़ा हो गया। यदि उनमें सम्मिलित होने के पीछे मेरी भावना जाति के अभिमान की थी तो मुझे उसका खेद है। भारत न केवल गूढ़ चिंतन में वरन भौतिक विज्ञान में भी प्रमुख भूमिका निभा सकता है। इस बात के प्रमाण में अपनी गहरी अभिरुचि को अस्वीकार नहीं कर सकता। आप क्या कहना चाहते हैं सर? प्राध्यापक महोदय ने प्रसन्नता पूर्वक स्पष्टीकरण दिया। वायरलेस कोहिरर और विद्युत तरंगों की वक्रता दर्शाने वाले एक यंत्र का आविष्कार सबसे पहले बोस ने किया था, परंतु इस भारतीय वैज्ञानिक ने अपने आविष्कारों से कोई आर्थिक लाभ उठाने की चेष्टा नहीं की। शीघ्र ही उन्होंने अपना ध्यान अजैव से जैव जगत की ओर मोड़ दिया। वनस्पति शास्त्रज्ञ के रूप में उनके द्वारा किए गए क्रांतिकारी आविष्कार उनके भौतिक वैज्ञानिक के रूप में किए गए भौतिक आविष्कारों से भी कहीं अधिक बढ़ चढ़ कर हैं। मेरे ज्ञान में वृद्धि करने वाले प्राध्यापक महाशय का मैंने विनम्रता पूर्वक धन्यवाद किया। उन्होंने आगे कहा, यह महान वैज्ञानिक प्रेसिडेंसी कॉलेज में मेरे सह अध्यापक हैं। दूसरे ही दिन मैं उस ऋषि तुल्य महान ज्ञान वेता से मिलने उनके घर गया, जो मेरे घर से पास ही था। लंबे समय से मैं दूर से ही उनके प्रति श्रद्धा भाव रखता आ रहा था। गंभीर, प्रशांत और एकांत प्रेमी वनस्पति शास्त्रज्ञ ने शिष्टता पूर्वक मेरा स्वागत किया। उनकी आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी। घने केश, विस्तीर्ण ललाट तथा स्वप्नलील नेत्रों के रूपवान व्यक्ति थे। उनका शरीर सुगठित था। बोलने में उनका विशुद्ध उच्चारण उनके आदतन वैज्ञानिक स्वभाव को दर्शाता था। पश्चिम की वैज्ञानिक सोसाइटियों की सभाओं में भाग लेकर मैं हाल ही में वापस आया हूँ। मेरे द्वारा आविष्कृत जीवन की अविभाज्य एकता दर्शाने उपकरणों में उनके अनेक सदस्यों ने गहरी रुचि दिखाई। बॉस क्रेस्कोग्राफी की मैग्नीफाइंग पावर 1 करोड़ गुना, माइक्रोस्कोप तो केवल कुछ सहस्त्र गुना ही मैग्नीफाई करता है, फिर भी उसने जीव विज्ञान को तीव्र गति प्रदान कर दी। जीव विज्ञान में प्राण फूंक दिए। क्रेस्कोग्राफ अगणित मार्ग खोलता है। सर, आपने विज्ञान की अमूर्त बाहों से पूर्व और पश्चिम के आलिंगन बद्ध होने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए बहुत कुछ किया है। मेरी शिक्षा कैम्ब्रिज में हुई। प्रयोगों के आधार पर ही किसी भी सिद्धांत की सूक्ष्म से सूक्ष्म जांच करने की पाश्चात्य पद्धति कितनी सराहनीय है। यह प्रयोग मूलक कार्य पद्धति मुझे अपनी पौर्वात्य विरासत में मिली आत्म परीक्षण की क्षमता के साथ जुड़कर और भी अधिक प्रभावी हो गई है। इन दोनों के जोड़ ने मुझे दीर्घ काल से चले आ रहे प्रकृति जगत के मौन को तोड़ने में समर्थ बनाया। सारे भेद खोल देने वाले मेरे क्रेस्कोग्राफ के रेखाचित्र संदेह करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह प्रमाण है कि पेड़ पौधों में भी संवेदनशील स्नायु तंत्र होता है और उनका जीवन विभिन्न भावनाओं से भी युक्त है। प्रेम, घृणा, आनंद, भय, सुख दुख, मूर्छा और अन्य उत्तेजनाओं के प्रति असंख्य प्रकार की प्रतिक्रियाओं की भावना अनुभूति जिस प्रकार सभी प्राणियों में होती है, उसी प्रकार सभी पौधों में भी होती है। सर, आपके इस क्षेत्र में आगमन से पहले तो सारी सृष्टि में व्याप्त जीवन की अद्वितीय धड़कन एक कवि की कल्पना मात्र लगती होगी। एक संत को भी मैं कभी जानता था जो कभी कोई फूल नहीं तोड़ते थे। वे कहते थे, गुलाब के पौधे से मैं उसका सौंदर्य अभिमान कैसे छीन लूं? अपनी उद्दंडता से उसे विध्वंस करके
उसके आत्मसम्मान को धक्का कैसे उनके उन सुहानुभूतिपूर्ण शब्दों को आपके आविष्कारों ने अक्षरशः यथार्थ सिद्ध कर दिया है। कवि सत्य से अंतरंग होता है, जबकि वैज्ञानिक अजीबोगरीब ढंग से उस तक पहुंचने का प्रयास करता है। किसी दिन मेरी प्रयोगशाला में आकर क्रेस्कोग्राफ के असंदिग्ध प्रमाणों को देख लो। कृतज्ञता पूर्वक मैंने आमंत्रण स्वीकार कर उनसे विदा ली। बाद में मैंने सुना कि उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़ दिया है और अब वे कोलकाता में एक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। जब बॉस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ, तब मैं उस उद्घाटन समारोह में उपस्थित था। सैकड़ों उत्साही लोग संस्थान के परिसर में इधर से उधर घूम रहे थे। विज्ञान के इस नए पीठ की कलात्मकता और आध्यात्मिक प्रतीकात्मकता को देखकर मैं मुग्ध हो गया। उसका प्रवेश द्वार सुदूर स्थित किसी प्राचीन मंदिर का अवशेष है। कमल पुष्पों से भरे एवं जल कुंड के पीछे स्थित मशालधारी स्त्री मूर्ति नारी के लिए अमर प्रकाश दात्री के रूप में भारत के आदर को सूचित करती है। एक उद्यान में अगोचर ब्रह्म को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर में मूर्ति विहीन रिक्त स्थान ईश्वर की निराकारता को सूचित करता है। इस उद्घाटन के महान अवसर पर जगदीश चंद्र बोस का भाषण ऐसा लग रहा था मानो वह सीधे किसी अंतः प्रेरित प्राचीन ऋषि के मुख से प्रकट हो रहा हो। इस संस्था को मैं आज केवल एक प्रयोगशाला के रूप में नहीं वरन एक मंदिर के रूप में समर्पित करता हूँ। उनकी आदरणीय महानता खचाखच भरे सभागृह पर एक अदृश्य चादर के समान छा गई। उन्होंने आगे कहा, अपनी खोज में मैं कब पदार्थ विज्ञान और प्रकृति विज्ञान के सीमा क्षेत्र में पहुंच गया, मुझे पता ही नहीं चला। उस समय मेरा आश्चर्य बढ़ता ही गया जब मैंने देखा कि सजीव जगत और निर्जीव जगत के बीच सीमा रेखाएं मिटती जा रही हैं और स्पर्श बिंदु उभरते जा रहे हैं। मैंने देखा कि निर्जीव जगत निष्क्रिय नहीं था, वह तो असंख्य शक्तियों के प्रभाव में पुलकित हो रहा था। सब में एक समान प्रतिक्रिया धातु वनस्पति और प्राणी को एक ही सामान्य नियम से बांधती हुई प्रतीत हुई। वे सब थकान और खिन्नता के तत्वतः एक समान लक्षण प्रदर्शित करते थे, जिनमें पुनः तरोताजा और हर्षोल्लास होने की संभावनाएं बनी रहती थी। मृत्यु के साथ जुड़ी हुई स्थायी प्रतिक्रियाहीनता के प्रदर्शन में भी सब एक समान थे। इस विराट सामान्यत्व से विस्मय विभोर होकर मैंने बहुत बड़ी आशा के साथ अपने प्रयोगों को रॉयल सोसाइटी के समक्ष रखा, परंतु वहां उपस्थित प्रकृति वैज्ञानिकों ने मुझे उनके लिए सुरक्षित क्षेत्रों पर अतिक्रमण करने के बदले उस पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र तक ही अपने अनुसंधान को सीमित रखने की सलाह दी, जिसमें मेरी सफलता का भरोसा था। मैंने अनजाने में एक अपरिचित जाति व्यवस्था के क्षेत्र में घुसकर उसके शिष्टाचार का उल्लंघन कर दिया था। वह अनजाने में एक धर्मशास्त्रीय पूर्वाग्रह भी कार्यरत था, जो अज्ञान को भी धर्म के समान प्रश्नातीत मानता है। यह प्रायः भुला दिया जाता है कि जिस परम सत्ता ने हमें चारों ओर से सृष्टि के इस नित्य बढ़ते ही जाते रहस्य में घेर रखा है, उसी ने प्रश्न करने और समझने की इच्छा भी हमें प्रतिष्ठापित कर दी है। अनेक वर्षों तक लोगों की गलतफहमियों का शिकार बनते रहने से एक बात मेरी समझ में आ गई कि विज्ञान के उपासक का जीवन अनिवार्य रूप से अनंत संघर्ष से भरा होता है। लाभ और हानि, सफलता और विफलता को एक समान मानते हुए उसे अपना जीवन प्रेम और श्रद्धा युक्त अर्ध्य के रूप में अर्पण करना पड़ता है। कालांतर में विश्व की प्रमुख वैज्ञानिक सोसाइटियों ने मेरे सिद्धांतों और निष्कर्षों को स्वीकार करके विज्ञान में भारत के योगदान को मान्य किया। जो कुछ भी छोटा या सीमित हो, क्या वह भारत के मन को कभी तृप्त कर सकता है?
एक अखंड जीवंत परंपरा और पुनर्यौवन प्राप्त करने की एक जीवन प्रद शक्ति के द्वारा इस भूमि ने अगणित परिवर्तनों में बार बार अपना कायाकल्प किया है। भारत में सदा ही ऐसे लोग उत्पन्न होते आए हैं जिन्होंने समय के तत्कालिक और मोहक पुरस्कार को ठुकराकर जीवन के सर्वोच्च अभिष्टों को पाने का प्रयास किया है। अकर्मण्य परित्याग द्वारा नहीं परं कर्मठ कठोर संघर्ष द्वारा। संघर्ष को अस्वीकार करने वाले दुर्बल के पास कुछ प्राप्त ना कर पाने के कारण त्यागने के लिए भी कुछ नहीं होता। जिसने संघर्ष कर विजय प्राप्त की हो केवल वही संसार को अपनी विजय के अनुभव का फल प्रदान कर उसे समृद्ध कर सकता है। इस बोस प्रयोगशाला में जड़ पदार्थों की प्रतिक्रिया पर अब तक किए जा चुके कार्य से और वनस्पति जगत के अप्रत्याशित तथ्य सामने आ जाने से पदार्थ विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, चिकित्सा, कृषि और यहाँ तक कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी अनुसंधान के अत्यंत विस्तृत क्षेत्र खुल गए हैं। जिन उलझनों के बारे में अब तक यह माना जाता था कि उन्हें सुलझाया नहीं जा सकता, वे भी अब प्रयोगात्मक अन्वेषण के कार्य क्षेत्र में आ गए हैं। परंतु कठोर सटीकता के बिना उच्च सफलता नहीं मिल सकती, इसीलिए प्रवेश कक्ष में अपने अपने केस में रखे गए मेरे द्वारा आविष्कृत अति संवेदनशील उपकरणों और वैज्ञानिक यंत्रों की लंबी लंबी कतारें हैं। वे दृश्यमान आभास के पीछे छिपे सत्य को खोजने के लिए आवश्यक दीर्घकालिक अनवरत प्रयत्न की तथा मानव के सीमित सामर्थ्य की परिसीमाओं को लांघने के लिए आवश्यक अविराम कठोर परिश्रम, लगन और उद्योगशीलता की गाथा सुनाते हैं। सभी आविष्कार वैज्ञानिक जानते हैं कि वास्तविक प्रयोगशाला तो मेरा मन है, जहां वे माया के पर्दे के पीछे सत्य के नियमों को खोज निकालते हैं। यहां जो लेक्चर दिए जाएंगे वे किसी दूसरे से प्राप्त ज्ञान ने की पुनरावृत्ति मात्र नहीं होंगे, उनमें इन कक्षों में प्रथम बार सिद्ध किए गए नए आविष्कारों का ज्ञान दिया जाएगा। इस संस्था के कार्य विवरण के नियमित प्रकाशनों द्वारा भारत के योगदान समस्त विश्व में पहुंच जाएंगे और वे सार्वजनिक संपत्ति बन जाएंगे। कभी भी किसी बात का पेटेंट नहीं लिया जाएगा। हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का सार ही है कि हमें ज्ञान का प्रयोग केवल अपने लाभ के लिए करने की संस्कृत हीनता से सदैव दूर रहना चाहिए। मेरी भी इच्छा है कि संस्था की सुविधाएं जहां तक संभव हो सके सभी देशों के अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपलब्ध हों। इससे मैं अपने देश की परंपराओं को आगे चलाने का प्रयास कर रहा हूं। 25 शताब्दियों पूर्व भी भारत नालंदा और तक्षशिला के अपने प्राचीन विश्वविद्यालयों में विश्व के सभी हिस्सों से आते छात्रों को ज्ञान प्राप्ति की सुविधा उपलब्ध कराता था। विज्ञान न तो पूर्व का है न पश्चिम का, बल्कि अपनी सार्वलौकिकता के कारण वह सभी देशों का है। परंतु फिर भी भारत में इससे महान योगदान देने के लिए विशेष रूप से योग्य है। भारतीय ज्वलंत कल्पना शक्ति तो ऊपर ऊपर परस्पर विरोधी लगने वाले तथ्यों की गुत्थी से भी नया सूत्र निकाल सकती है, परंतु एकाग्रता की आदत ने इसे रोक रखा है। यह संयम मन को अनंत धीरज के साथ सत्य की खोज में लगाए रखने की शक्ति प्रदान करता है। उस महान वैज्ञानिक के उन अंतिम शब्दों को सुनकर मेरी आंखें छलछला उठी। यह धीरज ही क्या सचमुच भारत का पर्यायवाची शब्द नहीं बन गया है, जिसने काल और इतिहासकार दोनों को ही समान रूप से अचंभित कर रखा है। उद्घाटन दिवस के थोड़े दिन बाद मैं उस अनुसंधान केंद्र में फिर से गया। उस महान वनस्पति शास्त्रज्ञ को अपनी वचन का स्मरण था, वे मुझे अपनी शांत प्रयोगशाला में ले गए। अब मैं इस फर्न के पौधे पर क्रेस्कोग्राफ लगाता हूँ। इसकी गतिविधियों का अनेक गुना परिवर्धित चित्र उभरेगा। इसी मात्रा में यदि पौधे की रेंगने की क्रिया को परिवर्धित किया जाए
तो घोंगा एक्सप्रेस ट्रेन की गति से चलता दिखाई देगा। मेरी दृष्टि उत्सुकतावश पर्दे पर लगी हुई थी, जहां फर्न की परिवर्धित छाया दिख रही थी। सूक्ष्म अति सूक्ष्म जैव क्रियाएं भी अब स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मेरी मंत्रमुग्ध आंखों के सामने वह फर्न का पौधा अत्यंत धीरे धीरे बढ़ रहा था। बॉस महाशय ने पौधे की नोक को एक धातु की छोटी सी छड़ से छुआ। पर्दे पर चल रहा मूक नृत्य हठात रुक गया और उस छड़ के हटाते ही लयबद्धता थिरक कर पुनः शुरू हो गई। तुमने देखा कि कैसे तनिक सा भी बाह्य हस्तक्षेप संवेदनशील ऊतकों के लिए बाधक है, बोस महोशे ने कहा। अब देखो, मैं इसे क्लोरोफॉर्म दूंगा और फिर उसका प्रभाव नष्ट करने वाली औषधि भी। क्लोरोफॉर्म के प्रभाव ने विकास को पूर्णतः रोक दिया। उसका प्रभाव नष्ट करने वाली औषधि ने उसे पुनः शुरू कर दिया। पर्दे पर दिखने वाले विकास के संकेतों ने मुझे किसी सिनेमा के कथानक से भी अधिक तन्मयता के साथ जकड़ रखा था। बोस महाशय, जो कि यहाँ खलनायक की भूमिका में थे, उन्होंने उस फर्म के एक हिस्से में एक तीक्ष्ण औजार घुसा दिया। आकस्मिक फड़फड़ाहट ने दर्द का संकेत दिया। जब उन्होंने पौधे के तने को ब्लेड से अंशतः काट दिया, तब छाया में तीव्र छटपटाहट दिखाई दी। फिर मृत्यु की अंतिम स्तब्धता से वह शांत हो गई। एक विशाल वृक्ष को पहले क्लोरोफॉर्म देकर और फिर उसका स्थानांतरण करने में मैंने सफलता प्राप्त कर ली है। साधारणतया वनों के ये राजा संस्थारित करने के कुछ ही दिन बाद मर जाते हैं। उस जीवन रक्षक युक्ति कौशल का वर्णन करते हुए बोस महाशय अत्यंत प्रसन्नता के साथ मुस्कुरा रहे थे। मेरे सूक्ष्म ग्राही यंत्रों के रेखा चित्रों ने सिद्ध कर दिया है कि पेड़ पौधों में रस संचार प्रणाली होती है। प्राणियों में जैसे रक्त संचार होता है, वैसे ही पेड़ पौधों में रस संचार होता है। पेड़ पौधों में रस की ऊर्ध्व गति को केवल केशिका आकर्षण सदृश किसी यंत्रिका क्रिया के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता, जैसे कि सामान्यतः प्रयास किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ ने इसे सजीव कोशिकाओं की क्रिया के रूप में दर्शाया है। पेड़ के अंदर से लंबी गोलाकार नली चलती है, जिसमें क्रमिक वृत्तियों में सिकुड़ने वाली लहरें उठती हैं, जो हृदय का काम करती हैं। हम जितनी अधिक गहराई में जाकर देखेंगे, उतनी ही अधिक स्पष्टता से इस सत्य का प्रमाण मिलता जाता है कि बहुचित प्रकृति का प्रत्येक रूप एक ही सूत्र में बंधा है। बोस महाशय ने एक अन्य बोस यंत्र की ओर इशारा किया। मैं तुम्हें टीन के एक टुकड़े पर कुछ प्रयोग दिखाता हूँ। धातुओं की प्राण शक्ति उत्तेजना के प्रभाव में अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया दिखाती हैं। स्याही के निशान विभिन्न प्रतिक्रियाओं को चिन्ह अंकित करेंगे। मैं तल्लीन होकर आमणिक संरचना की लक्षण स्वरूप तरंगों को अंकित करने वाले रेखा चित्र को देखने लगा। जब प्रोफेसर साहब ने टिन को क्लोरोफॉर्म लगाया, तब कंपन लेखन थम गया। जब धीरे धीरे उस टिन का सामान्य अवस्था लौट आई, तब वह पुनः शुरू हो गया। अब बोस महाशय ने एक विषैला रसायन लगाया। टीन के छटपटाते छोर के साथ साथ सुई ने अद्भुत रूप से रेखा चित्र पर मृत्यु की सूचना अंकित कर दी। वैज्ञानिक महोदय ने कहा, बोस यंत्रों ने प्रदर्शित कर दिया है कि कैंची और मशीनरी में प्रयुक्त इस्पात सदृश धातु भी थकते हैं और बीच बीच में विश्राम मिलने से उनमें पुनः ताजगी और कर्म क्षमता आ जाती है। विद्युत प्रवाह या अति भारी दबाव से धातुओं में जीवन की धड़कन को गंभीर क्षति पहुंचाती है। यह वह धड़कन सदा के लिए रुक भी सकती है। उस कक्ष में चारों ओर रखे अथक प्रतिभा के मुखर प्रतीक असंख्य आविष्कारों पर मैंने दृष्टि दौड़ाई। सर, यह दुख की बात है कि आपके अद्भुत यंत्रों का पूर्ण लाभ उठाकर बड़े पैमाने पर कृषि विकास को गति नहीं दी जा रही है।
इनमें से कुछ यंत्रों को त्वरित प्रयोगों में प्रयुक्त करने के बाद खाद के विभिन्न प्रकारों का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह देखना क्या सहज संभव नहीं हो सकता? तुम ठीक कह रहे हो, भावी पीढ़ियां बोस यंत्रों को अगणित प्रकारों से प्रयोग करने में लाई जाएंगी। वैज्ञानिक को उसके परिश्रम का तत्काल पुरस्कार कदाचित ही मिलता है, सृजनात्मक सेवा का आनंद ही उसके लिए पर्याप्त है। उस अदम्य ऋषि के प्रति मेरी अपनी हार्दिक कृतज्ञता मैंने व्यक्त कर उनसे विदा ली। मैंने सोचा, उनकी अद्भुत प्रतिमा की विस्मयकारी उर्वरता का क्या कभी निशेष हो सकता है? बढ़ते वर्षों के साथ उनकी प्रतिभा में कोई भी कमी नहीं आई। रेजोडेंट कार्डियोग्राफ नामक एक जटिल यंत्र का आविष्कार करने के बाद बोस महाशय असंख्य भारतीय पेड़ पौधों के विस्तृत अनुसंधान में लग गए। किसी को कल्पना भी नहीं थी ऐसी ऐसी उपयुक्त औषधियों की एक विराट भेषक तालिका तैयार हो गई। कार्डियोग्राफ ऐसी अचूक सटीकता के साथ तैयार किया जाता है कि उससे एक सेकंड का शतांश तक रेखा चित्र में अंकित हो जाता है। पेड़ पौधे प्राणी एवं मानव शरीर की संरचना के सूक्ष्मातीत सूक्ष्म स्पंदन भी यह कार्डियोग्राफ अंकित कर लेता है। उस महान वनस्पति शास्त्रज्ञ ने भविष्यवाणी की कि चिकित्सीय अनुसंधान के लिए प्राणियों के अंग विच्छेद की आवश्यकता नहीं रहेगी। कार्डियोग्राफ के प्रयोग से पेड़ पौधों के अंग विच्छेद से ही काम चल जाएगा। किसी औषधि के पौधे और प्राणी पर एक साथ किए गए प्रयोग के परिणामों के अंकन से साफ पता चलता है कि उन दोनों पर औषधि के प्रभाव में आश्चर्यजनक समानता है। उन्होंने स्पष्ट किया, मनुष्यों में जो कुछ भी है उस सब का पूर्वाभास पेड़ पौधों में विद्यमान है। वनस्पति जगत पर प्रयोग प्राणियों और मानवों की यातना को कम करने में योगदान देंगे। कई वर्षों बाद बोस महाशय के पथ प्रदर्शक वनस्पति आविष्कारों की अन्य वैज्ञानिकों द्वारा पुष्टि की गई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1938 में किए गए शोध कार्य की रिपोर्ट द न्यूयॉर्क टाइम्स में निम्नलिखित रूप में प्रकाशित हुई। गत कतिपय वर्षों में यह निर्धारित हो चुका है कि जब मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों के बीच तंत्रिकाएं संदेश वाहन करती हैं, तब छोटी छोटी विद्युत तरंगें निर्मित होती हैं। इन विद्युत तरंगों को सूक्ष्म ग्राही से मापा गया और आधुनिक परिवर्धनकारी यंत्रों से इनका लक्ष लक्ष गुना परिवर्धन किया गया। मानव या जीवित प्राणियों के तंत्रिका तंतुओं में प्रवाहित होने वाली इन तरंगों का अध्ययन करने का कोई संतोषजनक तरीका इनकी अत्यंत तीव्र गति के कारण अब तक ढूंढा नहीं जा सकता था। डॉक्टर एस कॉल और डॉक्टर एच के कर्टिस ने यह जानकारी दी कि उन्होंने इस बात को खोज निकाला है कि साधारणतः घरों में मछली पात्र में डाला जाने वाला जो मीठे पानी में जीने वाला पौधा होता है, जिसे निटेला कहते हैं, और जिसमें एक ही लंबी कोशिका होती है, उसकी कोशिका में और तंत्री तंतु की कोशिकाओं में पूर्ण समानता है, कोई भी भिन्नता नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी पाया कि निटेला पौधे के तंतुओं को उत्तेजित किए जाने पर वे विद्युत तरंगों का निर्माण करते हैं, जो केवल गति को छोड़कर अन्य सब दृष्टियों से प्राणी और मानव के तंत्री तंतुओं में निर्माण होने वाले विद्युत तरंगों के समान ही होती हैं। इस पौधे के तंतुओं की विद्युत तरंगे प्राणियों के तंतुओं की विद्युत तरंगों से कहीं धीमी चलती देखी गई। इसीलिए तंत्रिकाओं में प्रवाहित होने वाली विद्युत तरंगों के प्रवाह के मंद गति चलचित्र लेने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं ने इस आविष्कार को तुरंत उपयोग में लाया। इस प्रकार निटेला पौधा मन और स्थूल जगत के सीमा क्षेत्र के गुप्त रहस्यों की गूढ़ लिपि का अर्थ जानने में एक प्रकार से रोसेटा पत्थर की भूमिका अदा कर सकता है। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर भारत के
इस आदर्शवादी वैज्ञानिक के अंतरंग मित्र थे। उन्हें संबोधित कर कविवर ने निम्नलिखित पंक्तियां लिखी थी। हे तपस्वी डाकू, तूमी साम मंत्रे जलदक गर्जने उत्तिष्ट निबोधत डाको शास्त्र अभिमानी जने। यानी हे तपस्वी, साम मंत्रों की जलत गंभीर गर्जना से पुकारो, उठो जागो। शास्त्र अभिमानी जनों और कुतर्कों से आहत बुद्धि पंडितों को पुकारो और उन्हें बेकार तर्कों का त्याग करने को कहो। उन मूढ़ दंभियों को इस सुविस्तृत संसार में आने की प्रेरणा दो। अपने शिष्यों का भी आवाहन करो कि वे कर्तव्य रूपी यज्ञ वेदी के चारों ओर एकत्र हों, जिससे हमारा भारत हमारा प्राचीन देश अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त करे और कर्तव्य निष्ठा श्रद्धा और ध्यान में अविचलित रहकर लोभहीन द्वंद्वहीन शुद्ध और शांत बनकर विश्व गुरु के आसन पर एक बार फिर अधिष्ठित हो।